हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्थ। तो दोस्तों, मैं अंडर 15,000 में बेस्ट फ़ोन के बारे में बात करूं तो हम लोग जाहिर सी बात है बात करते हैं रियलमी 8 की या फिर रेडमी नोट 10 एस की या फिर रेडमी नोट 10, यहां तक मैं बात करूं रियलमी नार्जो 30 की। लेकिन दोस्तों, हम लोग बहुत ही कम बात करते हैं मोटो जी 40 फ्यूज़न के बारे में, जो कि मेरे विचार से ये भी बेस्ट फ़ोन है अंडर 15,000 में। जो कि दोस्तों, ये आप लोग लेना चाहते हैं तो ये आप लोग को मिलने वाला है सेल में कितने में, 12,750 रुपये में। अब इसमें हम लोग को डिस्काउंट कब देखने को मिलेगा, मतलब कि 12,750 में ये हम लोग को कब मिलने वाला है और ये कब से कब तक मिलने वाला है, और क्या आप लोग को मोटो जी 40 फ्यूज़न को ख़रीदना चाहिए अंडर 15,000 में, क्या आप लोग के लिए ये फ़ोन बेस्ट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, मैं सारा चीज़ डिटेल के साथ इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन आप लोग को डिस्काउंट में कब देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि फ्लिपकार्ट 25 जुलाई से बिग सेविंग डे सेल स्टार्ट हो रही है और ये सेल चलने वाली है फ्लिपकार्ट 29 जुलाई तक। तो इसी दौरान आप लोग को इस फ़ोन पर डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फ़ोन आप लोग को मिलने वाला है COD पे 13,500 के प्राइस रेंज से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आप लोग को बोला कि ये फ़ोन आप लोग को मिल जाएगा 12,750 रुपये से, कैसे मिलेगा? अगर इस सेल में आप लोग के पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड से भी हम लोग को डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, तो एक्स्ट्रा हम लोग को 750 का डिस्काउंट मिलने वाला है इस फ़ोन में। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, मतलब COD पे इस फ़ोन को आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो ये आप लोग को अवेलेबल मिलेगा 13,500 के प्राइस रेंज में। अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है तो ये आप लोग को मिल जाएगा 12,750 रुपये में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन को आप लोग को क्यों ख़रीदना चाहिए, मतलब रीजन क्या है। तो सबसे पहले, कोई भी फोन अंडर 15,000 में नहीं आता है कि जिसमें हम लोग को स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाए। पोको X3 भी आता है मार्केट में, लेकिन दोस्तों उसका कभी काल ही प्राइस कम होता है, 14,999 होता है। अभी ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिसमें हम लोग को स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर मिले अंडर 15,000 के, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जो भी फ़ोन आता है इस प्राइस रेंज में उसमें हम लोग को देखने को मिलता है MediaTek का G95 प्रोसेसर, चाहे मैं बात करूँ Realme 8 की या फिर मैं बात करूँ Redmi Note 10 S की। अब MediaTek का G95 बेटर प्रोसेसर है या फिर स्नैपड्रैगन 732 जी बेटर प्रोसेसर है? तो दोस्तों, 5 से 10 गुना ज़्यादा आप फास्ट मान सकते हैं 732G वाला प्रोसेसर को। आप लोग को गेमिंग के लिए फ़ोन ख़रीदना है तो किस फ़ोन को आप लोग ख़रीद सकते हैं? तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोग को बेटर गेमिंग देखने को मिलेगा MediaTek का G95 पे, क्योंकि देखिए स्पेशली जो है MediaTek का प्रोसेसर आता है गेमिंग के लिए ही आता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग को कोई भी ज़्यादा अंतर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। आप लोग मान सकते हैं 19 या फिर 20 का अंतर होगा या फिर 19.5-20 का अंतर होगा, ज़्यादा कुछ हम लोग को अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन MediaTek का जो प्रोसेसर मिलता है उस पर आप लोग गेम खेलते हैं, मतलब कि मोबाइल में प्रोसेसर मिलता है, तो जैसे कि Realme 8 आता है, Realme 8 में आप लोग गेम खेलेंगे तो गेम खेलते वक्त आपका फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि जिस फ़ोन में हम लोग को MediaTek का प्रोसेसर मिलता है वह फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा हीट करता है। लेकिन स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जिस फ़ोन में मिलता है वह थोड़ा सा कम हीट करता है, मतलब कि हीटिंग इशू हम लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और मैं बाकी दोस्तों बात करूँ CPU परफॉर्मेंस की, तो आप लोग को स्नैपड्रैगन 732G में बेटर देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ भी आप लोग को बेटर देखने को मिलता है 732G में, और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि 5 से 10 गुना ज़्यादा फास्ट है 732G प्रोसेसर। तो आप लोग को एक गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आप लोग इस फ़ोन को भी खरीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस फ़ोन में हम लोग को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, ये जो फ़ोन आता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है, मतलब कि इसमें कोई भी हम लोग को फालतू ऐप वगैरह इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता है प्लस, और इसमें हम लोग को कोई भी ऐड वगैरह नहीं मिलता है। वही मैं दोस्तों मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो इसमें मिलता है 6.78 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले आता है 120 हर्ट्ज के साथ आता है, और शायद इसमें HDR10 प्लस भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है पंच होल के साथ, और इसमें मिलता है 64 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, और
और तीसरा जो कैमरा मिलता है वही 2 मेगापिक्सल का। गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बिग बैटरी हम लोग को देखने को मिल जाता है 6000 mAh का, जो कि 1 से 2 दिन का इसमें बैकअप आराम से हम लोग को देखने को मिलने वाला है। प्लस 20 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। लेकिन इस फ़ोन में हम लोग को एक ही कमी देखने को मिलता है, इसमें IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है इतने सारे फीचर्स के साथ हम लोग को AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूँगा अंडर 15,000 में एक फ़ोन ख़रीदना है, आप लोग को AMOLED डिस्प्ले नहीं चाहिए, तो आप लोग को Moto G40 Fusion को ख़रीदना चाहिए। अगर आप लोग को AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो मैं आप लोग को बोलूँगा आप लोग के लिए बेस्ट फ़ोन होने वाला है Realme 8। Moto G40 Fusion को भी खरीद सकते हैं, ये भी आप लोग के लिए बेस्ट फ़ोन हो सकती है अंडर 15,000 में। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज का वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।